नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार माना जाता है, क्योंकि ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी हमारा जीवन इसी पर निर्भर करता है। इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए आज हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण। तो सर, आज का हमारा जो विषय है वो है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण पे बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। देखिए, 1972 में स्टॉकहोम में एक वर्ल्ड लेवल यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई और उस वक्त पर्यावरण के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा था। लेकिन 1972 में जब ये स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई तो ये विषय भी रखा गया और एक बहुत बड़े स्तर पे ये महसूस किया गया कि आने वाले समय में अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। तो विश्व स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसको हम UNEP के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो 1972 में ये सबसे पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जिससे कि पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने और पर्यावरण संबंधी कार्य करने की चर्चा की गई। तो सर, इस बार की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वो क्या है और ये किस तरह से कारगर साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो आपने बताया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में #BeatPlastic, तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी देश हैं दुनिया में, आज हम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। आप देखते हैं कि कितने सामान हैं, कितने हमारे रोजमर्रा के यूज में प्लास्टिक आ रहा है, पर उसका डिस्पोजल बहुत अच्छे ढंग से हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा कचरा जो है वो ऐसा कचरा इकट्ठा हो रहा है जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, और क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान हमारे को उठाने पड़ रहे हैं। सो इसलिए विश्व स्तर पे ये तय किया गया कि इस प्लास्टिक के ऊपर जो है बहुत ध्यान दिया जाए और इसको किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से इसका यूज कम किया जाए, किस तरीके से पृथ्वी से इस कचरे को हटाया जाए, इसके ऊपर चर्चा का ये जो इस वर्ष का जो थीम है वो ये है। जहां तक भारत की बात है, भारत हमेशा पर्यावरण के बारे में अग्रणी रहा है विश्व स्तर पे, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वानिकी से संबंधित कॉन्फ्रेंसेज हो, वहां पर भारत का बहुत बड़ा एक रोल आजकल देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में जैसे भारत सरकार की तरफ से मिशन लाइफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि पर्यावरण से संबंधित है और वो कंक्लूड होगा 5 जून को। इस मिशन लाइफ में बहुत से थीम जो है वो भारत सरकार ने तय किए, जिसमें सबसे पहला जैसे सेव एनर्जी, कि हम एनर्जी को बहुत कम यूज करें, जितना जितना जरूरी है उतना ही यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एनर्जी हम यूज करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे पर्यावरण पे भी पड़ता है। फिर दूसरा है सेव वाटर, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है पृथ्वी के ऊपर, कि जो हमारा पानी है वो घट रहा है और अगर उसको हमने बचाना है तो उसका भी हम जिसको बोले जुडिशियस यूज करें। फिर जैसे अभी हमने चर्चा की कि से नो टू द प्लास्टिक, ये इनका थीम है कि ये जो प्लास्टिक के जो कचरा है इसको हम किस ढंग से रिड्यूस करें। तो हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से ये पहल है, जैसे हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्लास्टिक को पूरा बैन किया है, तो क्योंकि हम हिली स्टेट हैं और हमारा काफ़ी बड़ा योगदान नॉर्दर्न इंडिया में उस पर रहता है, तो वो जो एक मिशन है वो भारत सरकार के मिशन का भी एक पार्ट बन गया। तो से नो टू द प्लास्टिक, देन रिड्यूस वेस्ट, जो हम वेस्ट करते हैं, खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको कितना कम किया जा सके। देन जो हमारा जो अडॉप्ट सस्टेनेबल गुड सिस्टम जो फूड है उसको हम उतना खाएं जो कि हेल्दी हो, और अनहेल्दी फूड हम जितना कम हो सके उसको खाएं, ताकि कम से कम जो है
दवाइयां बने, कम से कम दवाइयों का प्रयोग हो, और क्योंकि जैसे केमिकल्स हैं तो केमिकल से हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से जैसे हमारा रिड्यूस्ड वेस्ट है, मैंने पहले बात की, फिर एक सबसे बड़ी चीज है कि अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जब हम अडॉप्ट करेंगे तो हम पर्यावरण के बहुत नजदीक जाएंगे। हम हमारे जो हिंदुस्तान भारतवर्ष जो है वो परंपरागत तरीके से हम एनवायरनमेंट के बहुत क्लोज रहे हैं। अगर हम आप हमारे उपनिषद पढ़ें, आप हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रिलेशन जो है ह्यूमन बीइंग का पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो रिलेशन है ये हिंदुस्तान एक तरह से पहला मुल्क है, भारत जो है दुनिया का जो पहला मुल्क है जो ये ज्ञान लोगों के साथ पूरी दुनिया में शेयर कर रहा है। तो ये जो हेल्दी लाइफ है कि हम किस ढंग से रहें, जल्दी उठें, कम खाएं, योगा करें, ये सारी चीजें जो है इस मिशन का जो है पार्ट बनने जा रही है। और ये बहुत बड़े स्केल पे पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है और वन विभाग भी इसमें काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। सर, पर्यावरण संरक्षण का आज के समय में क्या महत्व है और किस प्रकार ये जरूरी है आज के समय में? बहुत जरूरी है। वैसे तो 1972 से इस पे सोच शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। दो तीन तरह के जो विश्व में डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं वो चल रहे हैं। एक है विकसित देश हैं, दूसरे जो हैं वो विकासशील देश हैं, तीसरे जो हैं जिनका अभी विकास बहुत उतने स्तर पे नहीं है। जो विकसित देश हैं वो विकास का एक ऐसा मॉडल है कि उन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, और चाहे वो पृथ्वी के अंदर से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका दोहन था, चाहे दूसरी चीजें थी, टेक्नोलॉजी थी, एनर्जी थी, वो इस ढंग से उन्होंने दोहन किया कि कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज हुआ। पर जब चर्चा विश्व स्तर पे आई और एक टेबल पे सब लोग बैठे तो ये महसूस किया गया कि आज की स्थिति में हमें सबको मिलके, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को, डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो अंडर डेवलप्ड नेशंस को सपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को हम अच्छा रखें, शुद्ध रखें, और जिनके पास पैसा है वो पैसे का प्रयोग करके उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से एजेंडे जो हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत से एजेंडे जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जैसे अभी पिछले वर्ष जो है पेरिस में जब चर्चा की गई तो हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए 2.5 गीगा मेट्रिक टन जो कार्बन है उसको रिड्यूस करने का टारगेट था। तो जब ये टारगेट, इतना बड़ा टारगेट जो है हमारे सामने आया, तो जब मंथन किया गया तो उसका सबसे जो बेस्ट तरीका जो निकाला गया वो निकाला गया कि जो हमारे वन है, जो पेड़ पौधे हैं, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का जज्ब होती है जी। जो हमारे जो पेड़ हैं वो कार्बन ही है, तो जितना पेड़ ज्यादा होंगे, जितने पेड़ अच्छे लगेंगे, ज्यादा लगेंगे और अच्छे ग्रो करेंगे तो वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे जी। तो इस पे चर्चा हुई, फिर इस पे भी चर्चा हुई कि जो हमारे पास जो पूरा वन क्षेत्र है अगर उसमें हम उस न केवल हम वहां तक सीमित रहें पर जो किसी के पास प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर भी हम उसको पेड़ पौधे लगाएं और उसको इसके जो कार्बन जो है उसकी सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाया जाए। फिर दूसरा जो मेन जो हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एनर्जी, ऊर्जा, और ऊर्जा का जो मेन दोहन जो है वो कोल से आता है, जो फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। कोल जब बर्न करता है एनर्जी के लिए तो कार्बन एमिशन करता है। फिर हमारा पेट्रोल है जो दुनिया भर में गाड़ियां आज कितने ज्यादा बढ़ रही हैं, तो सारी पेट्रोल डीजल पे चल रही है, वो भी सारा का सारा एमिशन जो है वो कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोशिश ये है कि जैसे हमारे जो एनर्जी की जरूरत है उसको गैर परंपरागत तरीके से मीट भी किया जाए। सर, पर्यावरण संरक्षण में अगर हम वानिकी की बात करें तो वनों की क्या भूमिका है इसमें? तो जैसे मैंने अर्ज किया कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं तो दो तीन तरह से उनकी भूमिका है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम तीन मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। एक है वायु, दूसरा है जमीन और तीसरा है जल।
कहीं ना कहीं तीनों जो चीजें हैं वो हमारे वानिकी से जुड़ी हुई है। अगर जंगल अच्छे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है तो हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो रहा है। फिर जैसे मैंने कहा कि पेड़ पौधे हैं, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज्यादा जो है कार्बन जो है एनवायरमेंट से पर्यावरण से जज्ब करके पेड़ पौधे जो है उसमें अपना भोजन बनाते हैं। तो और तीसरा है पानी, तो जितने अच्छे जंगल होंगे उतना हेल्दी वाटर जो है, मिनरल वाटर जो है वो जज्ब होगा पृथ्वी में और ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध होगा। और पानी का जैसे अभी चर्चा अगर हम करें तो दुनिया भर में जो हमारे समुद्र हैं, पर्यावरण परिवर्तन जो पर्यावरण की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं उसमें जो समुद्र का जल है वो एसिडिक हो रहा है। और आज विश्व में मुझे लगता है 40% के आसपास जो भोजन की जो जरूरत है दुनिया में वो हमारे समुद्री जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वहां से आ रही है। और अगर वो जल एसिडिक हो गया तो दो तीन चीजें बड़ी ड्रास्टिक चेंज आएगी। एक तो एक तरह से जो वहां पर जीव पनपते हैं उनकी जो लाइफ है वो थ्रेट हो जाएगी, तो हमारे भोजन के ऊपर एक थ्रेट आ जाएगा। दूसरा जो है, जैसे जैसे वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देखते हैं एब्रप्ट है, हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं होती थी, अब ऋतुओं का कोई सिस्टम ही नहीं रहा, वो सब परिवर्तन हो गया। तो ये सारा अभी आजकल आप मई महीने में आप बरसात वाला मौसम देख रहे हैं, तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ड्रास्टिकली सूख रहे हैं, और जो समुद्र है उसका जल स्तर बढ़ रहा है। और अगर वो जल स्तर इसी तरीके से बढ़े तो बहुत से यूरोपियन देश जो हैं वो जलमग्न होने का भी उनके ऊपर खतरा है। सर, आज के समय में जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है? ये विषय अब नया आने लगा है। पिछले 10-15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन स्तर पे इस पे चर्चा हुई और लगभग 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो तय किए गए। उसमें हमारा क्लाइमेट भी एक है, बहुत सी चीजें और भी हैं। होलिस्टिकली अगर हम बात करें तो पहले विकास को और तरह से देखा जाता, विकास को पृथ्वी को नुकसान करने वाला माना जाता है, सड़क निकालनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई डैम बनाना है तो लगाओ, डैम लगा दिया, पर उसके जो इम्पैक्ट थे उसका कोई चर्चा नहीं होती थी। आज अगर आपने छोटी से छोटी भी इंडस्ट्री लगानी है तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई जाए। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अगर आप देखते हैं कि इसमें भारतवर्ष में बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, चाहे जायका के प्रोजेक्ट हैं, चाहे किसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी के प्रोजेक्ट हैं, उन सब प्रोजेक्ट में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसके साथ साथ एनवायरमेंट कॉजेज का भी पता किया जाए, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो उसकी असेसमेंट साथ साथ चलती है। सो एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन है एनवायरमेंट की तरफ, जो जागरूकता है वो आज देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें और भी जागरूक होने की जरूरत है कि अगर हम जैसे अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से भी चर्चा करें माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो मैं तो बोलूंगा कि तीन चीजें करनी चाहिए कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये तीन चीजें जो है, जैसे इस वर्ष का थीम भी है #BeatPlastic, तो ये इसका बेस्ट जो तरीका है वो कम से कम प्रयोग करें, या जो दोबारा प्रयोग होने वाली चीज है उसका दोबारा प्रयोग करें, और तीसरा जो है कि हम इसको जितना हो सके रिसाइकल करें, उसको जमीन पे डाल के उसको वेस्ट में ना डालने दें, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो और सुरक्षित हो सके और शुद्ध हो सके और उसका जो हमारे जेनरेशंस हैं उनको उसका लाभ प्राप्त हो सके। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लाल सिंह जी, जो कि हिमालयन रिसर्च ग्रुप से हैं। आइए जानते हैं इनकी संस्था का पर्यावरण संरक्षण में योगदान। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्था है उसमें आज तक किस तरह के प्रयास किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। हिमालयन रिसर्च ग्रुप एक शिमला में गैर सरकारी संस्थान है, जिसके माध्यम से हम गाँव और दूर दराज के क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संरक्षण
और जीवन यापन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न तकनीकों का विकास करके उनको प्रदर्शित करते हैं और उनके लेवल पे उनके काम को आगे बढ़ाने में वो कैसे मदद करते हैं उसके लिए कार्य करते हैं। सर, आपकी संस्था ने आज तक पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? अगर आप वनों के ऊपर लोगों को आधारित देखें तो हमारे प्रदेश में लगभग 80-90% जो पॉपुलेशन है वो वनों पर सीधे ही अपने जीवन यापन, घर में ईंधन के लिए, घर में पानी के लिए आधारित है। उसमें अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही और बढ़ने के साथ साथ अगर वनों का जो उपयोग है, अगर वो जलावन की लकड़ी और अपने जंगलों से इकट्ठा करके कंपोस्ट के लिए मटेरियल लाएं, तो वो एक सस्टेनेबल वे नहीं है। तो अब ये 21वीं सदी हमारी जो तकनीकों की सदी है, तो इसमें हम लोगों को लोकल लेवल पे ऐसे तकनीक विकसित करने होंगे जिसमें वनों को बचाए रखने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान को लोकल स्तर पर बढ़ाना होगा। इसके लिए हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने विभिन्न स्तरों पे काम किया है। सबसे पहले अगर हम देखें, कोई भी घर अगर हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, उसमें घरों को गर्म रखने के लिए और पानी को गर्म करने के लिए ईंधन की लकड़ी का प्रयोग होता है, और जो कि सामान्यतः जंगलों से ही लाई जाती है, और उसमें महिलाएं जो है अपने ईंधन इकट्ठा करने के लिए सबसे ज़्यादा समय दिन में व्यतीत करती हैं, और जिससे उनकी सेहत में भी फर्क पड़ता है और पर्यावरण की सेहत भी उससे ख़राब होती है। इसलिए हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने इसको मद्देनज़र रखते हुए पानी गर्म करने और कमरों को गर्म करने के लिए एक लोकल तकनीक आधारित काम किया है, और इसमें एक सोलर हमाम और सोलर रूम हीटर का एक विकास किया है जिसको लोकल मिस्त्री बनाते हैं, और लोकल मटेरियल से ही ये दोनों सिस्टम बनते हैं, और पानी गर्म करने के लिए जो सिस्टम है उसमें सारे दिन में लगभग 120 लीटर पानी गर्म किया जा सकता है, और जो एक परिवार की पूरी जो समस्या जो है गर्म पानी की उसको हल कर सकता है। और उसी तरीके से जो रूम हीटिंग सिस्टम है वो भी अंदर का तापमान कमरे का लगभग 15 से 18 डिग्री को तक बढ़ा सकता है, और अगर बाहर का मान लो तापमान अगर 4 डिग्री है, अगर वो सिस्टम कमरे में बाहर से लगा हुआ है तो उससे कमरे का तापमान लगभग 20 डिग्री हो जाता है, और इससे इन तकनीक से लगभग 40% जलाने की लकड़ी की खपत कम हुई है, और अगर पर्यावरण की दृष्टि से अगर उसको हम देखें तो लगभग 2.5 टन के आसपास जो है सालाना एक सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, और वो एक बड़ा योगदान है। आज तक अगर हमने 1500 सिस्टम ले लद्दाख से चला करके उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में लगाए हैं, और उससे हमारे जो ये क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है उसमें काफ़ी योगदान मिला है, और हम एक राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी कमिटमेंट है ग्रीन हाउस एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने की, उसमें एक बड़ा योगदान दे रहा है, और हम एक इंटरनेशनल लेवल की कमिटमेंट को एक लोकल एक्शन के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो सर, आपने अभी तकनीकों की बात की, तो उसमें लोगों की कितनी भूमिका रही है, लोगों पे कितना असर हुआ है उस चीज़ का, उसके कुछ आप अगर हमें उदाहरण बता सकें, और आपको इस चीज़ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन भी मिला है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो भी तकनीक हम जो स्वयंसेवी संस्थाएँ होती हैं जो लोगों के स्तर पर काम करती हैं, उसमें लोगों की ही भूमिका होती है। जो भी तकनीक विकसित किया है वो लोगों की ज़रूरतों को देख करके और उनकी भागीदारी से ही विकसित हुआ है, क्योंकि जो जैसे सोलर वाटर हीटर हम लोगों ने बनाया है और रूम हीटर बनाया है, उसमें गांवों के मिस्त्री ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो लोकल मटेरियल वो अपने घर की लकड़ी दे करके अपने घर का लेबर लगा करके ही करते हैं, और इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। उदाहरणतया हमारे जो मिस्त्रियों का ग्रुप है, उन्होंने पिछले 7 सालों में लगभग 15 लाख रुपए के सिस्टम तैयार करके अपने 15 लाख रुपए का रोज़गार उन्होंने अर्जित किया है, और इस सिस्टम से लोगों को खाना बनाने के लिए कम समय लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों में पानी का तापमान कम होता है, और उससे जैसे चावल अगर
कुकर में बनाने हैं तो उसको गर्म करने में गैस भी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। अगर सोलर वाटर हीटर में पानी गर्म हुआ है तो उससे खाना बनाने में भी समय कम लगता है और नहाने के लिए पानी उपलब्ध होता है। जैसे ख़ास करके जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, दादी दादियाँ दादू लोग हैं, उनके पास जो है समय पर जो है पानी घर वालों की जल्दी के समय में नहीं उपलब्ध रहता है, तो उनके लिए एक सहूलत होती है। जैसे कि हमने गांव में एक दादी से मिले तो उन्होंने अपने नहाने के लिए सोलर वाटर हीटर से पानी निकाल करके अपने को स्वच्छ रखने में एक बहुत अच्छे से उन्होंने उदाहरण दिया कि वो अब रोज़ नहाती हैं। पहले वो कहती थी कि हम लोग कहीं 15 दिन या महीने में एक बारी नहाती हैं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, अब लकड़ियाँ ला नहीं सकती है, नई जनरेशन का अपना टाइम टेबल है और वो अपने समय से पानी गर्म करते हैं, अपने नहाने के लिए करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो उनकी देखभाल भी थोड़ी इन तकनीकों से अच्छी होने लगी है। जैसे कि पर्यावरण भी अच्छा हो रहा है और लोगों की सेहत भी अच्छी हो रही है और लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर भी इन तकनीकों से मिल रहे हैं। सर, आपको जो रिकॉग्निशन मिला है आपने उसके बारे में नहीं बताया। हम सोलर वाटर हीटर डेवलप करने के लिए हिमालयन रिसर्च ग्रुप को 2018 में स्टेट इनोवेशन अवार्ड मिला है और उसमें एज ए इनोवेटर मुझे भी उसमें कुछ राशि मिली है और संस्था को हमारे 2 लाख रुपया उसमें प्राइज मनी मिला है। और इसके अलावा 2021 में विभिन्न तकनीकों को विकसित करने के लिए जिनसे लोगों को गांव के स्तर में फ़ायदा हुआ है, मुझे जमुना लाल बजाज अवार्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांव में विकास के लिए मिला है। सर, अगर हम महिलाओं की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की कैसी भागीदारी रहती है? अगर आप गाँव के स्तर में देखें तो महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण में हमेशा ही एक नेगेटिव वे में देखा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर घर में जलावन की लकड़ी, पशुओं का चारा, कंपोस्ट बनाने के लिए बायोमास इकट्ठा करने का दायित्व रहता है। उनके पास जब भी समय होता है वो तुरंत जंगल की ओर भागती हैं, जिससे कि वन अधिकारी और सरकार जो है उनको वनों का उजाड़ने वाला माना जाता है, परंतु वो एक मजबूरी है। पर इसमें जैसे अगर उनके लेवल पे कंपोस्ट बनाने की तकनीक, पानी गर्म करने की तकनीक मिली है और लकड़ियों को कम प्रयोग करने की तकनीक मिली है, उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है और महिलाएं ही उसमें एक क्रांति ला रही हैं और महिलाएं ही समझ करके अपने जीवन यापन के लिए कम से कम जंगल के संसाधनों का उपयोग कर रही हैं और उसके साथ उनको अपने जीवन यापन के लिए जो समय बचाती हैं इन तकनीकों से, उससे वो कैश रिटर्न या नरेगा में काम करके उस समय को व्यतीत करके कैश रिटर्न पैदा कर रही हैं और वनों का भी संरक्षण करने में वो योगदान दे रही हैं। और जिन इलाकों में ये सिस्टम हम लोगों ने लगाए हैं उनके पास आकर के दूसरे इलाकों के लोग भी उन सिस्टम को समझ रहे हैं और अपने इलाकों में महिलाओं से इन सिस्टम को लगाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आप भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी देंगे। आपसे अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।